हेलो फ्रेंड्स आप सभी का सर चैनल में स्वागत है देखिए फ्रेंड्स इस इस वीडियो लेक्चर में हम इक्वेशन चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में फोर मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा जाता है तो इस चैलेंजिंग क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे देखिए क्वेश्चन है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इज हाफ ऑफ द अदर रूट शो दैट बी स्क्वायर इक्वल्स टू नाइन ए सी अपॉन टू ये डिसेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी स्टेट बोर्ड एग्जाम में फोर मार्क्स के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हमें यहां पर पूछा गया है अब देखिए फ्रेंड्स हमें पता है क्वारड इक्वेशन के रूट हम कंसिडर करते हैं अल्फा और बीटा ओके तो यहां पर मैं सबसे पहले इनके रूट्स कंसिडर करता हूं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ओके रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें यहाँ पे दिया गया है विद रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इसके रूट्स है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू रहता है माइनस बी अपॉन ओके इसे कहूंगा मैं फर्स्ट और अल्फा बीटा रहता है सी अपॉन ए मैं इसे शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं याद रखने के लिए माइनस बा का ऐसा हम इसे याद रखेंगे माइनस बा का माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए इसे कहता हूं इक्वेशन सेकंड अब हमें कंडीशन क्या दी गई है वन रूट देखिए हमें दिया है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है इज हाफ ऑफ अदर ओके वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर हाफ ऑफ द अदर मतलब एक जो रूट है ये दूसरे रूट के हाफ है एक रूट मतलब कौन सा सपोज अल्फा ओके okay? ये जो अल्फा है ये बीटा का हाफ है बीटा अपॉन टू

ठीक है अब इक्वेशन थर्ड को सब्सटी इस इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्यूट करेंगे इक्वेशन इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट इसे हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में अगर सब्सट्यूट करते हैं तो बीटा का वैल्यू हमें यहां पे सब्सट्यूट करते आएगा टू अल्फा तो देखिए फ्रेंड ये मिलेगा हमें अल्फा प्लस टू इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इसका मतलब अल्फा प्लस टू अल्फा अल्फाइज थ्राइस अल्फा थ्राइस अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए ठीक है ना देखिए थ्री अल्फा का वैल्यू हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू हम ले सकते हैं माइनस बी अपॉन थ्री ए ठीक है इस थ्री को ट्रांसफर करेंगे हम राइट हैंड साइड में अब यहाँ पे सपोज अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन थ्री ए ब्रैकेट स्क्वायर इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस तो ये मिलेगा हमें बी स्क्वायर अपॉन नाइन ए स्क्वायर और इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर फोर यह अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला है और एक किस प्रकार से मिला है हमने इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में सब्सट्यूट किया था अब इसी इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन सेकंड में सब्सटूट करेंगे नाउ सब्सटीट्यूटिंग ध्यान दीजिए सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में हम सब्सिट्यूट करते हैं ठीक है ना इस इक्वेशन थर्ड को मतलब बीटा का वैल्यू टू अल्फा यहां पे हमें सेकंड में सब्सूट करना है तो देखिए फ्रेंड ये मिलेगा हमें अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू टू अल्फा अल्फा इंटू टू अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होगा ठीक है ना इन दोनों में प्रोडक्ट का साइन है ना इंटू टू ट्वाइस अल्फा स्क्वेयर इक्वल्स टू सी अपॉन ए मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन टू ए और इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर फिफ्थ ओके फ्रॉम देखिए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ इन दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड सेम है अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर तो दोनों के हम राइट हैंड साइड सेम ले सकते हैं इसका मतलब यहां पे हम कंसिडर कर सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन नाइन ए इक्वल्स टू सी अपॉन टू ओके अब इस नाइन ए स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे हम देखिए फ्रेंड्स राइट हैंड साइड में तो c अपॉन टू ए इंटू यहां पर मिलेगा हमें नाइन ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया अब ये A के साथ कैंसल होगा तो देखिए फ्रेंड्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा नाइन ध्यान दीजिए नाइन ए सी वही मिल रहा है ना यहां पे ए स्क्वा के साथ कैंसिल हुआ तो ये होगा नाइन ए सी ओके और अपॉन डिनिटर में सिंपली टू है तो ये हो जाएगा बी स्क्वास टू नाइन ए सी अपॉन टू ए और यही ये, ये हमें शो करना था Hence, ये हमें यहां पे प्रूव करना था है ना तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे हमने क्या किया सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंसीडर किया है फिर उसके बाद उसके रूट्स हमने कंसीडर किए अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए रहता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी अपॉन ए रहता है कंडीशन हमें यहां पे दिया है इट इज गिवन ये प्रॉब्लम में हमें कंडीशन दिया गया है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हाफ ऑफ द अदर रूट एक रूट दूसरे रूट का हाफ है इसका मतलब हाफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन टू मतलब ट्वाइस टू बीटा मतलब बीटा इक्वल्स टू टू अल्फा तो बीटा इक्वल्स टू टू अल्फा ये वैल्यू हमने सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में रखा वहां से हमें अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिला फिर इसी वैल्यू को हमने इक्वेशन सेकंड में सब्सट्यूट किया यहां से भी हमें अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिला अब ये दोनों भी अल्फा स्क्वायर तो सेम है तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ ये दोनों वैल्यू हमने इक्वल कंसिडर किए और इसे हमने प्रूव किया बी स्क्वायर इक्वल्स टू तो नाइन ए सी अपॉन टू ए ओके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स मेरी आप सभी से, से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए क्योंकि चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है ये हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फोर मार्क्स के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन रहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में फोर फोर मार्क्स के थ्री चैलेंजिंग क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं उनमें से हमें टू चैलेंजिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है क्वेश्चन नंबर फाइव में थ्री थ्री मार्क्स के टू क्रिएटिव क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं उनमें से हमें वन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है मतलब एट प्लस थ्री एलेवन मार्क्स के पेपर फर्स्ट में और एलेवन मार्क्स के पेपर सेकेंड में ऐसे दोनों भी पेपर में हमें टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं चैलेंजिंग और क्रिएटिव क्वेश्चन तो चैप्टर वाइज हमने चैलेंजिंग और क्रिएटिव क्वेश्चन के सोल्यूशन के वीडियो लेक्चर का सीरीज स्टार्ट किया है तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है इन वीडियोस को देखे बाद आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपका जो लाइक है निश्चित रूप से हमारा उत्साह बढ़ाता है और इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट्स भी हमारा उत्साह बढ़ाता है दुगनी रफ्तार से हम आपके लिए काम कर पाएंगे तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है गुजारिश है वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए और इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।